एक्टर दिशा पाटनी की बागी 2 बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म से ट्रेड पंडित कई सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन क्या ये फिल्म वो सारी उम्मीदें पूरी करने में कामयाब रहेगी? अगर फिल्म के शुरुआती रिपोर्ट्स की बात की जाए तो ये ऐसा करने में सक्सेसफुल रह सकती है। इंडिया में टोटल मिलाकर 3500 स्क्रीन्स के साथ रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की नई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है। ट्रेड एनालिसिस कोमल नाहटा ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी। साजिद नाडियाडवाला's Baaghi 2 takes a terrific start today. Opening shows collections excellence everywhere. Fantastic promotion, superb action and the good Friday holiday do the trick. बता दें कि बागी 2 के सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 30-40% रही। कहा जा रहा है कि अगर सुबह के शोज में बागी 2 ने ऐसी शुरुआत ली है तो शाम के शोज में तो फिल्म को देखने वाली ऑडियंस की गिनती बढ़ सकती है, जिसकी वजह से फिल्म पहले दिन चकाने वाले आंकड़े दर्ज करा सकती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि फिल्म के काफी सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी बागी 2 में दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के अलावा मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा, प्रतीक बब्बर और दीपक डोबरियाल जैसे दमदार स्टार्स हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड की हर अपडेट के लिए देखते रहें NMF न्यूज़।